अमेरिका रूस में तल्खी कम नहीं हो रही, दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन और जो बाइडेन की बैठक के बाद भी रिश्तों में सुधार नहीं देखी गई। ताजा मामला जापान सागर में घुसपैठ करने को लेकर सामने आया है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्र में चीन और रूस ने संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत उनके जल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जब रूसी सेना ने अमेरिकी युद्धपोत को वापस जाने की चेतावनी दी तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में रूसी युद्धपोत ने अमेरिकी युद्धपोत का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वापस लौट गए। रूसी मंत्रालय ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी अपनी डेक से एक हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं अमेरिका ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया। अमेरिका ने कहा कि युद्धपोत जापान सागर में नियमित संचालन कर रहा था। रूस को गलतफहमी हुई है कि हम किसी अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहे थे। 4 महीने में दूसरी बार है जब रूस ने कहा है कि उसे अपने जल क्षेत्र से नाटो सदस्य युद्धपोत का पीछा किया है। जून में रूस ने एक ब्रिटिश युद्धपोत पर घुसपैठ करने के आरोप लगाए थे। हालांकि ब्रिटेन ने भी रूस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसका जहाज यूक्रेन के पानी में कानूनी रूप से चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम तक।